बजाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। इज माय वॉइस ऑडिबल? क्या आपको आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? अभी सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। मैं आप लोगों की ठीक चलेगा। जल्दी से बताएं क्या मेरी आवाज़ ऑडिबल है? क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है भाई? ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा भाई, जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं। अंशु कुमारी ने लिखा है, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो, सीने में संघर्ष से मत डरो, तभी मज़ा है जीने में। वेरी गुड इवनिंग जी। यहाँ पर हैं पारुल यादव, मोनिका भुल्लर, दीक्षा शर्मा, संदीप यादव, मारिया सिद्दीकी, अंजलि गोला, युसरा जफरी, दीक्षा शर्मा, ताफिक जहरा, आयुष माथुर, नमन सिंह, एस एस मैथ्सवर्ड। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए अब बिना देरी करें हम अपना जो कंसेप्ट है आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तोफिक जहरा, यस सर, क्लियर चलेगा? बड़ी ही अच्छी बात है भाई, क्लियर है तो हम बिना देरी करें जल्दी से हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे अब थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल है, होपफुली आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर हियर, सो चलेगा। अब अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो भी क्वेरी होती है डायरेक्टली पूछते रहिएगा। चलिए अब जरा शुरू कर देते हैं। आयुष माथुर, ठीक है, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। सो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं जेंडर की। ठीक है, कि नाउन एंड द जेंडर, आज का हमारा जो कंसेप्ट रहने वाला है वो रहेगा नाउन एंड जेंडर। क्या रहेगा भला? नाउन एंड द जेंडर, एंड द जेंडर। देखिए अगर बात करें हम जेंडर की, तो मेनली जो जेंडर होते हैं वो होते हैं आपके चार तरह के। ठीक है, देर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहली बात चलती है, अगर हम बात करते हैं जो सबसे पहला आता है, द फर्स्ट विन इज मैस्कुलिन। पूरी की पूरी सीरीज है आपकी, अच्छे से तैयार कीजिएगा, पूरी पीडीएफ रेडी है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी। होपफुली मैं एक आशा रखता हूं कि आपको पूरा का पूरा रिवीजन भी हैंड टू हैंड करा ही दूंगा। ठीक है, चलेगा। फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, सेकंड होता है आपका फेमिनिन, थर्ड होता है कॉमन। ठीक है, और लास्ट होता है, चौथा जेंडर जो होता है वो होता है हमारा न्यूटर। ठीक है, इंग्लिश में हमारे ये चार जेंडर होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले जेंडर की, द फर्स्ट वन, जिसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम बात करें तो इसमें कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे हमने लिखा बॉय, हमने लिखा फादर, इसी तरह से हम आगे भी और वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा बॉय, फादर, या कोई भी, हॉर्स भी मैस्कुलिन में आता है। ठीक है, हमने यहां लिख दिया डॉग। ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर डॉग। ओके, तो बात क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, तो ये सारे वर्ड्स मैस्कुलिन में आते हैं, पुरुषों से संबंधित सभी वर्ड। फेमिनिन में क्या आ गया, बॉय का जैसे कि क्या हो गया, गर्ल हो गया, फादर का मदर हो गया। ठीक है, और हम हॉर्स का चाहें तो मेर, एक्चुअल में मेर क्या होता है, मेर होती है घोड़ी। ठीक, और डॉग का हो गया बिच। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़े, कॉमन जेंडर में वो वर्ड्स आते हैं जो जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कराते, स्पेसिफिकली जितनी भी रैंक होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं टीचर, स्टूडेंट वगैरह वगैरह। द फर्स्ट वन इज हियर, हम सबसे पहला वर्ड ले रहे हैं यहां पर, सबसे पहला हुआ स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट। सेकंड टीचर, तीसरा हो गया आपका, ऐसे ही हम बोल सकते हैं एक तरीके से अगर हुआ तो, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, द नेक्स्ट वर्ड कैन बी इंजीनियर।
देर इज अ स्पेसिफिक बग, कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, ध्यान से सुने, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इट विल बी शॉर्ट आउट। बात कर रहे थे हम कॉमन जेंडर की। देखिए, इतने स्टार्ट हो, इतने मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। कॉमन जेंडर में हमारे सारे के सारे वर्ड्स वो आएंगे, जितने भी शब्द, ठीक है, जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करते। कहने का मतलब, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हम बात करने लगे, ऐसे ही बात आती है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि हो जाता है, एक बात आती है इंजीनियर, तो इंजीनियर का जो होता है कोई फेमिनिन नहीं होता है, सेम टू सेम रहेगा। कविता आर्या, वेरी गुड इवनिंग जी, ऑल इज क्लियर। ठीक, तो क्या बात आ रही है आपकी? मेनली अगर हम बात करें तो कॉमन जेंडर में सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर नहीं होता, हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लास्ट बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं के लास्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर में क्या आता है? सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती है न्यूट्रल जेंडर में। अगर बात करें हम न्यूट्रल जेंडर की, नमस्ते, तो बात आती है सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर में। जरा जल्दी से जहां हम थे, हम फटाफट से डिस्कस करते हैं उस चीज को वहीं पर लाकर। ठीक, तो बात क्या थी? पहला था मैस्कुलिन, ठीक है, दूसरा जेंडर क्या था? दूसरा जेंडर था आपका फेमिनिन, लिखा चुके हैं। तीसरा जेंडर क्या है? कॉमन, ठीक है। कॉमन जेंडर में हमने क्या बताया आपको? कॉमन जेंडर में जैसे कि सारे के सारे पद होते हैं, ठीक है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ओके, इस तरह से टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेल है या फीमेल है। टीचर भी दोनों हो सकते हैं और स्टूडेंट भी मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी। द फोर्थ वन इज न्यूटर। अगर बात करें हम न्यूट्रल जेंडर की, तो देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ठीक है, अगर बात करें हम न्यूट्रल जेंडर की, न्यूट्रल जेंडर में स्पेसिफिकली सिर्फ निर्जीव चीजें आती हैं, जैसे कि निर्जीव चीजें, जैसे कि पेन हो गया, ठीक है, ऐसे ही हम कुछ भी बोल सकते हैं, पेन हो गया, बुक हो गया, पेंसिल वगैरह वगैरह। ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं न्यूटर में आती हैं। मैस्कुलिन में क्या है आपका? जैसे हमने लिखा बॉय, हमने लिखा फादर, ठीक है, हम लिख सकते हैं अंकल, ठीक है, और इसी तरह से फेमिनिन में इनके जेंडर कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉय का क्या हो जाता है? गर्ल। फादर का हो जाता है मदर। इसमें थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आपका, किसमें भला? अंकल का, अंकल का आंटी नहीं होता, आंट होता है, बस यही रोक दीजिएगा इसको। ठीक, तो हम जो बात करने जा रहे हैं ऑल अराउंड, ठीक है, सबसे पहली बात, मैस्कुलिन जेंडर में पुरुषों से रिलेटेड शब्द, फेमिनिन में स्त्रियों से, कॉमन में आपकी रैंक होती है जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, इंजीनियर, न्यूट्रल में आती है सारे निर्जीव चीजें। ठीक, अब बात करें अगर इससे आगे की, तो इन चार जेंडर में से किसको क्या माना जाता है? देखिए ध्यान से सुनना, मैस्कुलिन को जो मान लिया जाता है, मैस्कुलिन के लिए हमेशा सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए माना जाता है ही। फेमिनिन जेंडर जहां होता है स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन के लिए क्या मान लिया जाता है? शी। बात समझ में आ रही है? और बात आती है न्यूट्रल जेंडर की, बात आ रही है न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर के लिए आपको मानना पड़ता है इट। ठीक, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, एक लड़का जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं ही इज माई ब्रदर, क्योंकि ब्रदर हमेशा ही होगा, शी नहीं होगा। ठीक, शी इज माई सिस्टर, लड़की है, उसको देखकर बोल रहे हैं शी इज माई सिस्टर, लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है, और किसी भी चीज के लिए, नॉन लिविंग चीज के लिए इट। बट अगर इनमें से किसी का भी प्लूरल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर बात चलती है सिंगुलर फॉर्म की, तो एक वचन में सभी इसी तरह से होंगे, लेकिन अगर हम इनमें से किसी का भी प्लूरल बनाएं, तो इन सभी की प्लूरल फॉर्म सेम होती है। मतलब चार लड़के जा रहे हैं तो उनको भी दे मान लिया जाएगा, ठीक,
और चार लड़कियां जा रही हैं, तो दे आर माई फ्रेंड्स बॉयज के लिए हो गया, दे आर माई सिस्टर्स गर्ल्स के लिए हो गया, दे आर माई बुक्स आप ये भी कह सकते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, ये हो गया बुक्स के लिए। तो आप ये कह सकते हैं, अगर आपके बिल्कुल पास में है तो आप इन तीनों के प्लूरल का एक ही ऑप्शन रख सकते हैं, क्या होगा, दे, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई वस्तु हो। अब बात आती है आपके एग्जाम में जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं, वो सारे क्वेश्चन होते हैं कि आइडेंटिफाई द जेंडर, ये बताइए कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा फेमिनिन है, ठीक है। चलिए बिना देरी करे बताना शुरू करते हैं। ऑफिशियल नरेश कुमार, वेरी गुड इवनिंग भाई। प्रियांशु सिंह, गुड इवनिंग। अलशिफा दे, गुड। तो ध्यान से सुने, ही हो, शी हो, इट हो, सबका प्लूरल क्या बना दिया जाता है, दे बना दिया जाता है, ठीक ठीक। अब जल्दी से सुनेंगे, तो यहां पे दे मान लिया जाता है। अगर बात आती है क्वेरी की, ध्यान से सुने, अगर सेंटेंस है आपका द टीचर वॉज टीचिंग सब्जेक्ट, आप मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पहला हुआ हिज, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी बॉथ और ऑप्शन डी नन, आप क्या सेलेक्ट करेंगे, जल्दी बताइए, ध्यान से बताइए, जल्दी से रिप्लाई दीजिएगा। द टीचर वॉज टीचिंग स्पेस सब्जेक्ट, टीचर पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। व्हाट विल बी योर आंसर, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या पढ़ा रहे थे, द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट। अब टीचर को मेल माने, ऑप्शन हिज सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट है, या दोनों के दोनों, ठीक। दीक्षा ने आंसर दिया है सी, ठीक, हिज, अंकित आर्या, ओके आगे बताएं, ठीक। नीरू सेठ, वेरी गुड इवनिंग जी। कविता रेज, ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, बोथ का मतलब हो गया दोनों। अब दोनों एक साथ नहीं होते, जानते हैं ये आंसर क्यों कटा, ये आंसर इसलिए कटा कि अगर ए और का मतलब होता है या, ए और बी अगर होता तो ये चल जाता। क्वेरी क्या थी, बोथ की, तो बोथ को सुटेबल ना मानते हुए आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप जब भी पुट करेंगे, ठीक है, अगर ऑप्शन आपका आता है हिज और ऑप्शन बी आता है आपका हर, तो आप प्रायोरिटी देंगे हिज को, किसे प्रायोरिटी देंगे, हिज को। अगर आपको जेंडर नहीं पता तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। और यहीं पर अगर टीचर की जगह, कई बार बात चलती है बच्चे की, देखिए चाइल्ड का कोई अपना जेंडर नहीं होता, अगर हम ये कहें द चाइल्ड, बताएं ऐसा क्यों, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ स्पेस टूल्स, ठीक है, अपने उपकरणों के साथ वो खेल रहा था, ठीक, बच्चा खेल रहा था अपने उपकरणों के साथ। आपको ऑप्शन दिया जाता है, यहां पर हम लिखेंगे हिज, ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका हर, ऑप्शन सी हो गया इट्स, ऑप्शन डी नन, बताएं जरा जल्दी से बताइएगा। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद टूल्स, एक बच्चे के लिए क्या आएगा, हिज आएगा या हर आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा, तौफीक जरा, ठीक, हिज बता रहे हैं। ठीक, इट्स ओके। ध्यान से सुने, बच्चे का कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता क्योंकि सेक्सुअल इंपोर्टेंसी की वजह से इसको मैस्कुलिन या फेमिनिन की तरह ट्रीट नहीं करते। एक बच्चे में और जो ओल्ड पर्सन होते हैं, दोनों में सेक्सुअल इंपोर्टेंसी, आप समझ रहे हैं, ठीक है, लैंगिक बाध्यता की वजह से वो ग्लैंड इनकी डेवलप नहीं होती, इसलिए इनको इट मान लिया जाता है। और इट मानने के बाद बच्चे को क्या मान लिया जाता है, इट मान लिया जाता है, इसलिए द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टूल्स होगा, ना कि हिज टूल या हर टूल्स, ठीक, यहां तक क्लियर है भाई, ठीक। अब हम जल्दी से अपने इसी सेशन में अपने एक्सरसाइज पर आने वाले हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है किस जेंडर का फेमिनिन कौन सा है, ठीक है, जरा जल्दी से मैं यहां से ओपन करना चाहूंगा, ठीक।
बात चलिए किस जेंडर का फेमिनिन कौन सा है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां से शुरुआत करते हैं, बात चलती है। सबसे पहला वर्ड है ऑथर, जरा जल्दी से देखिए क्या ये विजिबल है, आप देख पा रहे हैं इसको क्लियरली। सबसे पहला है ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ आंसर देते रहिएगा, ठीक है, ओके। अंकित आर्य कह रहे हैं एसएससी वाले भी देख सकते हैं, हां जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी बढ़े। ऑथर का अगर फेमिनिन होगा तो होता ऑथरेस। देखिए बात ध्यान में क्या रखनी है, अभी कुछ ऐसे वर्ड्स चल रहे हैं जो आपको एक बार के लिए लग रहा है, लेकिन सुनिए ध्यान से बात क्या चल रही है। ऑथर होता है लेखक, ऑथरेस, आप पूरे वर्ड को ऐसा का ऐसे ही रखेंगे, ऑथर का जो जेंडर होता है उसमें ई डबल एस जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जा रहा है, ई डबल एस, लेखक का लेखिका, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि उस वर्ड में ई डबल एस तो जोड़ा ही जाता है, बट उसके पहले कोई ना कोई वॉवल गायब कर दिया जाता है। अभी जरा जल्दी से ध्यान दें, ऑथर का हो जाता है ऑथरेस, होस्ट, होस्ट होता है मेजबान जो होता है, इसका अगर हम बनाएंगे तो बनेगा एच ओ एस टी ई डबल एस, होस्टेस, महिला मेजबान, ठीक। ज्यू क्या होता है, ज्यू की हिंदी होती है यहूदी, देखिए पूरे वर्ल्ड की रिचेस्ट कास्ट के नाम से जाना जाता है ज्यू, ठीक है। एक बार का क्वेश्चन मैं यहां लिखना चाहूंगा भाई, फिर हटा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ही इज एज रिच एज, वह इतना धनी है जैसे कि, ऑप्शन आ रहे हैं ए बी सी डी, उसने लिखा किंग, क्वीन, ज्यू या फिर नन, ज्यू और ये लास्ट ऑप्शन है नन। आप मुझे बताइए वह इतना अमीर है जैसे कि, अगर आपने आंसर लगाया किंग या क्वीन तो वो गलत होगा, ठीक है। अमीर होने की जो कंपैरिजन होती है और इंटेलिजेंट होने की, जब भी कंपैरिजन होगी वो ज्यू से होगी, ज्यू सबसे अमीर कास्ट मानी जाती है इस वर्ड की, ठीक है। तो जब भी आपका आंसर होगा जेंडर में, आप ज्यू आंसर लगाएंगे, ज्यू मतलब यहूदी, ठीक, चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम, अगर हम बात करें ज्यू का फेमिनिन क्या होगा, तो ज्यू का फेमिनिन होता है ज्यूस, जे ई डब्ल्यू पहले पूरा लिखिए फिर ई डब्ल्यू एस, ज्यूस। मेयर का मेयोरेस, एम ए वाई ओ आर ई डबल एस, ठीक। बात चलती है पोइट की, पोइट का क्या हो जाता है, पोइट का हो जाता है पोइटेस, पी ओ ई टी ई डबल एस, पोइटेस। ट्यूटर का ट्यूटरेस, पहले ध्यान से सुनिए पूरा का पूरा वर्ड लिखना है फिर ई एस लगाना है, क्योंकि आगे आने वालों में ऐसा नहीं होगा, इतने इजी नहीं है, जो बोलने में लगते हैं इतना है नहीं। ट्यूटर का क्या फेमिनिन बनाएंगे, टी यू टी ओ आर, ट्यूटर का ट्यूटरेस, ई डबल एस ही जुड़ना है, ठीक। अब इन ट्यूटर के बाद हम शेफर्ड पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब अगला हो जाएगा आपका शेफर्ड का जेंडर बताना है आपको, ठीक, ओके। शेफर्ड की बात करें तो शेफर्ड का हो जाता है शेफर्डेस, ठीक, ओके। शेफर्ड होता है ग्वाला, ग्वाला समझते हैं हम, शेफर्ड होता है ग्वाला, जैसे गडरिया होता है, ठीक। तो शेफर्ड का अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो बनेगा एस एच ई पी एच ई आर डी ई डबल एस, अभी आसान चल रहे हैं बिल्कुल, जल्दी बनेंगे, जी आई ए एन टी। जायंट का मतलब बहुत विशाल काय होता है या दुष्ट या दानव के सेंस में होता है, तो जायंट बोले तो दानव या राक्षस, तो राक्षसनी के लिए आएगा जी आई ए एन टी ई डबल एस, जायंटस, ठीक है, बी लाइक जैसे रामायण में ताड़का, ठीक, जायंटस। हियर पहले इसको ध्यान से सुने, एक नंबर देकर जाएगा एच ई आई आर, मैं पूछना चाहता हूं इसके पहले, ठीक है, इसके पहले ए आर टिकल आएगा या एन आएगा, कौन बताएगा, जरा जल्दी से टाइप कीजिएगा, गिव मी द आंसर, ए आएगा या एन आएगा, फटाफट बताएं, एच ई आई आर, ठीक है, वैभव गुड इवनिंग भाई, मुझे बताएं जल्दी से, एच ई आई आर, इसके पहले ए आर टिकल आएगा या एन, ठीक, ध्यान से सुने, इसका साउंड जो होता है वो होता है एर, हियर नहीं होता भाई, इसका साउंड होता है एर। और जिन शब्दों की आवाज
हिंदी के स्वर से होती है, ए आ उ ई ए ओ, इनसे होती है, जिन शब्दों की आवाज हिंदी के स्वर मतलब वोवेल से होती है उनके पहले हमेशा जो होता है क्या आता है, एन आता है। इसकी साउंड हियर नहीं होती, हा से नहीं होगी, अगर आप बात करें हियर तो वो इसकी साउंड नहीं होती, इसकी आवाज होती एर। तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, एर होने की वजह से ठीक है इसको कहा जाता है उत्तराधिकारी, और अगर फीमेल है तो एरस, एच ई आई आर ई डबल एस। ठीक, लायन का लायनेस, ठीक बिल्कुल इजी चल रहे हैं अभी। प्रीस्ट का प्रीस्ट होता है पुजारी, तो क्या हो जाएगा पी आर आई ई एस टी ई डबल एस। ठीक, टेलर का टेलरस, टी ए आई एल ओ आर ई डबल एस। यहां तक इजी थे, अब पैटर्न बदलेगा। अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ ई डबल एस जो आता है, सिर्फ इतना हुआ एंड ओवर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। टेलर तक तो ई डबल एस ही जुड़ना था, अब चेंज आएगा। ठीक, जरा ध्यान से सुनिए, अब हम बात करेंगे एक्टर की। ठीक, जरा ध्यान से सुनिए, बात करेंगे हम एक्टर की। तो एक्टर में ई डबल एस नहीं जुड़ता सिर्फ, और भी कुछ चेंज है एक्टर में, और भी कुछ चेंज हैं। बताइए मुझे क्या चेंज होगा एक्टर का। जो चेंज होता है, पहली बात तो ये पूरी स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखी जाती, क्या होगा ए सी टी आर ई डबल एस एक्ट्रेस, ये जो ओ है इस ओ को रिमूव कर दिया जाएगा। इन सब में अब जितने भी हो रहे हैं इन सब में ये वॉवल गायब होगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुने, ये वाला वॉवल गायब हो जाएगा। एक्टर का एक्ट्रेस ए सी टी ओ आर नहीं होगा, ए सी टी आर ई डबल एस एक्ट्रेस। ठीक, बात चलती है बेनिफैक्टर का, तो हो जाएगा बेनिफैक्टर होता है शुभ चिंतक, तो फेमिनिन बनाएंगे बी ई एन ई एफ ए सी टी आर ई डबल एस। अगर आपने टी ओ आर लगाया, ऑप्शन मिलेगा आपको बी ई एन ई एफ ए सी टी ओ आर ई डबल एस, ये गलत है भाई। बेनिफैक्टर पूरा नहीं लिखना है, बेनिफैक्टर में आप क्या करेंगे बेनिफैक्ट्रेस कर देंगे, बेनिफैक्टरेस नहीं करेंगे, टी ओ आर नहीं आना। ठीक, ध्यान से सुनते रहिए, बेनिफैक्टर होता है शुभचिंतक और बेनिफैक्ट्रेस महिला शुभचिंतक। ठीक, अब बात चलिए हंटर, हंटर होता है शिकारी, तो हंटर में हंटरेस नहीं होगा बल्कि हंट्रेस होगा। हंट लिखें एच यू एन टी, वॉवल कट जाएगा और आर लगाकर ई डबल एस लगा देंगे हंट्रेस, बोले तो महिला शिकारी। बात चलिए प्रिंस, प्रिंस का क्या बना देते हैं हम, कर देते हैं पी आर आई एम सी ई डबल एस प्रिंसेस, बोले तो राजकुमारी। प्रिंस होता है राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, ये आपको पता ही है भाई। वेटर का क्या होगा, वेटर का वेटरेस नहीं होता, क्या हो जाता डब्ल्यू ए आई टी आर ई डबल एस वेटरेस। बात समझ में आ रही है, वेटरेस हो जाती है, वेटर होता है वेटर, और वेटरेस जो महिला होती है। ठीक, एम्बेसडर की बात चलेगी, एम्बेसडर होता है राजदूत, इसकी स्पेलिंग भी आती है आपके पेपर में, बहुत अच्छे से सुन लीजिए ए एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर, एम्बेसडर होता है राजदूत जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, एम्बेसडर, ठीक, तो क्या होगा एम्बेसड्रेस हो जाएगा ए एम बी ए डबल एस ए डी ओ आर नहीं होगा डी आर ई डबल एस। ठीक है, डी आर ई डबल एस, ठीक है एम्बेसडर्स। ठीक, अब आता है डायरेक्टर, ठीक है डायरेक्टर का क्या बनाएंगे, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस होता है, निग्रो का निग्रेस होता है। चलिए जरा ध्यान से सुने, ओके बढ़ते हैं हम एम्बेसडर के बाद, बात आती है डायरेक्टर। अब धीरे धीरे स्पेसिफाई करने जा रहे हैं, संदीप यादव सर पेन कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है जी सर, मार्कर का कलर चेंज कर दें, ओके जी बिल्कुल जी बिल्कुल, कौन सा कलर करें, व्हाइट चलेगा, हाँ व्हाइट इस पर ज्यादा। डायरेक्टर की बात करें, अब डायरेक्टर की बात करें या फिर ये कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन इस पर दिखेगा नहीं, ठीक है येलो सही है।
डायरेक्टर का हो जाता है डायरेक्टरेस, डी आई आर ई सी टी आर ई डबल एस, डायरेक्टरेस। ठीक, निग्रो जो होता है, निग्रो होते हैं हबसी जो होते हैं, ये लोग बहुत ब्लैक ब्लैक अफ्रीका जैसी कंट्रीज में रहते हैं। ठीक है, ओके, येलो कलर ही ठीक है। निग्रो का जो बनता है वो बनता है निग्रेस, एन ई जी आर ई डबल एस, निग्रेस बोले तो जो महिला निग्रो होती है। टाइगर का टाइग्रेस नहीं होगा, टिग्रेस होगा, टी आई जी ई आर नहीं लिखेंगे, टी आई जी आर ई डबल एस। जो पहला वोवेल है ये कटेगा, ठीक है, ये वाला ओ कटेगा, डायरेक्टर का भी ओ कटेगा, एम्बेसडर का भी ओ कटता है। ठीक है, टाइगर का टिग्रेस होगा, निग्रो का निग्रेस होगा, ओ कहीं से कहीं तक इसमें नहीं आता। ठीक, अब सुने, एम्परर होता है शासक, क्या होता है एम्परर, एम्परर होता है शासक, क्या हो जाता है एम्प्रेस, ई एम पी ई आर ओ आर, ओ कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ई एम पी आर ई डबल एस। ठीक, सिर्फ बन जाएगा एम्प्रेस। ठीक भाई, ठीक। गवर्नर की बात आती है, गवर्नर जो होता है, देखिए महिला के लिए कभी गवर्नर वर्ड नहीं आता, महिला के लिए आता गवर्नेस, जी ओ वी आर एन ई डबल एस, क्या हो जाता है गवर्नेस। ठीक, ड्यूक होता है, ड्यूक होता है सामंत या राजकुमार भी बोला जाता है। ठीक, ड्यूक होता है राजकुमार, और इसका फेमिनिन बनता है डचेस, डी यू सी एच ई डबल एस, डचेस। देखे जान सकते हैं सिंगापुर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है ड्यूक एंड डचेस, डी यू सी एच ई डबल एस। डचेस क्या होता है, वो होता है ड्यूक का फेमिनिन जेंडर। ठीक ठीक, यहां तक। अब जितने भी जेंडर की हम बात करेंगे, जितने भी फेमिनिन की बात करेंगे, इनमें सारे के सारे वर्ड्स बदलते चले जाते हैं। ठीक, बात करें इससे आगे की। ठीक, तो बात चल रही है ड्यूक का डचेस। अब देखिए बात आ रही है गॉड की, कि गॉड का क्या होगा, गॉड का जो होता है जी ओ डबल डी ई डबल एस। देखिए डी वी दो बार आएगा, एस वी दो बार आएगा, आपने एक भी चीज मिस करी आपका आंसर गलत। गॉड का गॉडेस होता है, पता सभी को है, बट अगर आपने डी एक बार मिस किया तो आंसर गलत है, और एस मिस किया तो आंसर गलत है, वो ऑप्शन में सब देने वाला है। ठीक, गॉड का देवता और गॉडेस देवी। मास्टर का क्या हो जाता है, मास्टर का फेमिनिन होता है मिस्ट्रेस, क्या हो जाता है मिस्ट्रेस। ठीक, जरा ध्यान से सुने, सॉर्सरस का, सॉर्सरर का हो जाता है एस ओ आर सी ई आर ई एस। ठीक, क्या हो जाता है सॉर्सरस। ठीक, अब बात चलिए मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट क्या होता है, ध्यान से सुने, ये काफी अच्छा है और वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, अब आने शुरू हुए हैं जो आपके एग्जाम में सुपर टेट में जेंडर पूछे जाते हैं। ठीक, मैन सर्वेंट का अगर हम फेमिनिन बनाएंगे तो बन जाता है ये मेड सर्वेंट, क्या हो जाता है जी मेड सर्वेंट। ठीक, मैन सर्वेंट नौकर और मेड सर्वेंट हो गया नौकरानी। यहां तक क्लियर है भाई, इज दैट फाइन। ठीक, बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई, ओके ठीक है। चलिए अब अगली स्क्रीन पर बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक, बात चल रही है इससे आगे की, तो अगला वर्ड है आपका ऑथर, होस्ट, मेयर, पोइट, ये हम कर चुके हैं। ठीक, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका बात चलिए वॉशरमैन, वर्ड है आपके सामने वॉशरमैन का फेमिनिन बताइए, वॉशरमैन बोले तो धोबी। अगर हम इसके फेमिनिन की बात करने लगे, स्त्रीलिंग की बात करने लग जाएं, तो क्या होगा, वॉशरमैन का बताएं वॉशरवुमेन, क्या हो जाएगा वॉशरवुमेन। बात समझ में आ रही, वॉशरमैन का हो जाता वॉशरवुमेन। बक रैबिट एक्चुअल में खरगोश की एक प्रजाति होती है, साथ साथ में अकेला बक जो होता है ना, बक का मतलब होता है हिरन, क्या हो जाता है भाई हिरन। जो सलमान खान है वो ब्लैक बक केस में ही तो फंस गए थे, उनके साथ यही तो परेशानी हुई थी, तो बक होता है हिरन, तो बक रैबिट का फेमिनिन हो जाता है डॉ रैबिट, डॉ रैबिट आर ए डबल बी आई टी। भाई अकेले बक का मतलब हिरन होता है, तो डॉ का मतलब हिरनी। बक रैबिट अगर
नर खरगोश को बताता है तो डॉ रैबिट हो जाता है मादा खरगोश। ठीक, रैबिट जहां पर रहता है उस घर को क्या कहते हैं? उस घर को कहते हैं हच, HUTCH, हच। जिसमें पालतू खरगोश रहते हैं उस घर को क्या कहा जाता है? हच कहा जाता है, याद रखिए भाई। ठीक है, गुड। अब बात चल रही है, हम इससे आगे की बात करेंगे। अब बात चल रही है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब देवर, साला, कुछ इस तरह से। तो फेमिनिन बन जाएगा, इजी है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है भाई, अगली बात, ही वियर, अगर किसी भी जेंडर के पहले वो ही लगा कर दे तो आप सीधे लिख दीजिएगा क्या? शी बियर। ही बियर बोले तो नर भालू और शी बियर बोले तो मादा भालू। बात चलिए बुल काफ। देखिए ध्यान से सुनना, इसने एक प्रीफिक्स लगाया, काफ होता है गाय का बच्चा, इन सबका बच्चा होता है। बुल काफ बोले तो गाय की बच्ची नहीं है, वो बच्चा है। ठीक है, आप चाहें तो इसका फेमिनिन बना सकते हैं, क्या बना देंगे? बुल की जगह कर देंगे काउ काफ। ठीक है, काउ काफ क्या हो गया? ये हो गई बछिया। इसके बीच में मैं रोक कर बताना चाहूंगा, एक्चुअल में जो ये बुल काफ है इसको और कुछ भी बोला जाता है। वो आपसे पूछ लेगा कोल्ट क्या होता है? कोल्ट होता है बछड़ा, गाय का बच्चा। और इसका फेमिनिन क्या हो जाता है? फेमिनिन हो जाता है फिली, फिली मतलब बछिया। ठीक है, वो ये भी पूछता है, ये पेपर का कंटेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। कोल्ट होता है बछड़ा, गाय का बेटा जो होता है, और गाय की बेटी हो जाती है फिली। ठीक ठीक, अब धीरे धीरे क्वेश्चंस अच्छे आने शुरू हो गए हैं, ध्यान से देखते रहें। बात चलिए जैक एस। जैक एस क्या होता है? जैक एस होता है जिसे कहा जाता है गधा। ठीक है, और इस जैक का फेमिनिन बनाना होता है हमको जेनी। क्या होता है? जेनी, GENY, जेनी एस। ओके, जेनी एस हो जाता है, जैक एस बोले तो गधा और जेनी एस बोले तो गधी। ठीक, अगर वो डायरेक्टली आपको एस देता है या डोंकी देता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरा हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, सो बात चलिए जैक एस। ठीक, मैं इसको साफ करना चाहूंगा भाई। ठीक, तो जैक एस का तो हो गया जेनियस, GENY, जेनी एस। ओके, अगर वो सिर्फ आपको ये देता है ASS, एस का फेमिनिन बताइए, तो आप लगाएंगे मेयर। ठीक है, एस गधा हो गया, या वो आपसे पूछ सकता है डोंकी, डोंकी का फेमिनिन बताइए तो मेयर। ठीक है, साथ में वो पूछ सकता है आपसे पोनी, पोनी होता है खच्चर। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे हॉर्स। ठीक है, वो पूछ सकता है आपसे हॉर्स। देखिए एक दो नहीं, आप सारे के सारे वर्ड में यही ध्यान रखेंगे, एस का भी मेयर होगा, एस मतलब गधा हो गया, मेयर गधी हो गया, डोंकी गधा और मेयर गधी, पौनी होता है खच्चर, तो खच्चर नहीं जो होगी उसको भी क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। बात समझ रहे हैं आप? क्या बोला जाता है? मेयर बोला जाता है। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे हम, पौनी खच्चर हुआ तो मेयर खच्चरनी, हॉर्स होता है घोड़ा, और घोड़ी के लिए भी वर्ड क्या आता है? मेयर ही आता है, ये सारे एक ही प्रजाति के हैं। ठीक, यहां तक ठीक है? ठीक है, नावेद सैफी सर आपने धोखा दे दिया भाई, ये सुपर टेट की क्लास से है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, रेडी रहिए बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आगे बढ़े। तो क्या हो जाता है इन सब का फेमिनिन जेंडर? क्या हो जाता है? मेयर। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे बात चल रही है हेडमास्टर का जो होता है क्या बनेगा भाई? हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, हेडमास्टर होता है प्रमुख अध्यापक, प्रधान अध्यापक, जो प्रमुख अध्यापक जो होता है या अध्यापक, और हेडमिस्ट्रेस प्रमुख अध्यापिका। ठीक है, अब बात चलिए मिल्कमैन। मिल्कमैन होता है दूध वाला, ध्यान रखिए यह आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। मिल्कमैन का फेमिनिन हो जाता है क्या? मिल्क मेड। क्या हो जाता है? मिल्क मेड। बात समझ में आ रही है? मिल्कमैन दूध वाला, और मिल्क मेड, MAID, मेड हो गई दूध वाली। ठीक ठीक, यहां तक। मिल्क वुमन कभी नहीं होगा। ठीक है,
यहाँ पर रजनी गुप्ता जी ने आंसर दिया है, कोई बात नहीं, जल्दी में जो गलती हो रही है यही आपको सीधे सीधे सुधारेगा, ठीक है। मिल्क मेड होता है, मिल्क वुमन कभी नहीं होगा, ठीक, ओके। आगे पोस्टमास्टर का बताएं, कौन बताएगा भाई पोस्टमास्टर का बताएं, जल्दी, अब आपका टाइप करने का समय आ चुका है, टाइप करिए फटाफट। पोस्टमास्टर का फेमिनिन बताइए जल्दी से जल्दी। पोस्टमास्टर का होता है पोस्ट मिस्ट्रेस, क्या हो जाता है, पोस्ट MISTRES, ठीक है। पहली बात, ये पोस्टमैन नहीं है, जो आप पोस्ट वुमेन कर ले, पोस्ट वुमेन की कोई पोस्ट नहीं है, बात समझ में आ रही है। ये वर्क वहां पर भी देखिए ध्यान से सुनिएगा, फीमेल को नहीं दिया जाता है, ठीक है। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर में बहुत बड़ा अंतर है, पोस्टमैन डाकिया होता है, पोस्टमास्टर डाकिया नहीं है, ये वो अधिकारी है जो पूरे पिन कोड में कोई भी लेटर जाता है उसकी स्टैंप लगती है, ये कोई छोटा मोटा डाकिया नहीं है भाई, ये पोस्टमास्टर है, इसका बनेगा पोस्टमिस्ट्रेस। जो पोस्ट ऑफिस में अधिकारी बैठता है वो पोस्टमास्टर होता है, और महिला बैठी है तो पोस्टमिस्ट्रेस, ठीक ठीक है भाई, ओके। पोस्टमैन सिर्फ डाकिया होता है, वो एक छोटा व्यक्ति है पद के हिसाब से भाई, ठीक है। आगे बढ़े, पिकॉक, देखो ध्यान से सुनना, कॉक, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, और पिकॉक अगर पीस के पहले जोड़ दिया तो मतलब आता मोर। तो हम सिर्फ एक चीज बदलेंगे, कॉक को बदल दीजिए, कॉक का मतलब मुर्गा है, तो हम कर देंगे पी के बाद कॉक की जगह कर दीजिए हेन, पिकॉक मतलब मोर होता है, तो पी हेन क्या हो गया, मोरनी। बात चलिए, लैंडलॉर्ड क्या होता है, मकान मालिक, तो फेमिनिन बता देंगे लैंडलेडी, क्या हो जाएगा, लैंडलेडी, ठीक है भाई। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, लैंडलेडी मकान मालकिन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक। फादर इन लॉ का सभी को पता है क्या होगा भाई, मदर इन लॉ, क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ, ठीक है। और स्टेप फादर का स्टेप मदर क्या हो गया, स्टेप मदर, स्टेप फादर मतलब सोतेले पिताजी, स्टेप मदर सोतेली माताजी, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम, जरा मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी फाइनल करते हैं भाई, ठीक, फटाफट एकदम, ठीक, ओके, डन। बात करेंगे इससे आगे, ठीक, बात चलिए, ही गोट, अगर गोट के पहले ही लगाया तो मैंने बताया आपको क्या कर लेंगे आप, शी जोड़ दीजिए, शी गोट, सिर्फ यही इसका फेमिनिन हो गया। कॉक स्पैरो, स्पैरो चिड़िया की प्रजाति होती, कॉक लगाया है तो मतलब ये चिड़ा हुआ, इसका फेमिनिन बनाएंगे, कॉक की जगह कर देंगे आप हेन स्पैरो, हेन स्पैरो मतलब जो चिड़िया होती है, ठीक ना, ओके। अगला वर्ड है डॉग वुल्फ, वुल्फ होता है भेड़िया, अगर वुल्फ के पहले डॉग आया है तो ये नर भेड़िया हुआ, ठीक है, और अगर डॉग की जगह आपने बिच कर दिया, बी आई टी सी एच, बिच वुल्फ का मतलब हो जाएगा, ठीक है, डॉग का ही चेंज कर दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डॉग वुल्फ भेड़िया, बिच वुल्फ मादा भेड़िया, ठीक। स्टेप ब्रदर सोतेला भाई, तो क्या करेंगे, स्टेप सिस्टर, सभी जानते हैं, इजी है, ठीक। बात चलिए ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, तो ग्रैंड डॉटर कर देंगे यहां पर, ग्रैंड डॉटर, ठीक। बात चलिए एडमिनिस्ट्रेटर, अब आएगा मजा, ठीक, ये है क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम। ये वर्ड है काफी स्पेसिफिक शुरू हो गए हैं, अब इनमें आएगा इंटरेस्ट, ठीक, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जल्दी कीजिए फटाफट एकदम, ठीक, चलें देखें जरा। अब बात चलिए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर वो अधिशासी लोग होते हैं, ठीक, अगर पुरुष है तो एडमिनिस्ट्रेटर, इसका फेमिनिन मोस्ट है, पूछा जाता है, ठीक है, स्टेट लेवल में पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है अधिशासी, इसको बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटर की जगह ट्रिक्स कर देना है, अगर कोई पुरुष आईएएस बना है तो वो बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप में, और अगर महिला बनी है तो वो होती है एडमिनिस्ट्रेटरिक्स, चुनाव में जब ड्यूटी लगती है, पुरुष है तो एडमिनिस्ट्रेटर और महिला है तो एडमिनिस्ट्रेटरिक्स, टी आर आई एक्स होगा, ठीक है,
बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं भाई, दीक्षा, विशाल चौहान, रजनी गुप्ता, गुड, ठीक। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर होता है जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलाते हैं, इसका भी सेम बनेगा, कैसे वाला, EXECUTRIX, एग्जीक्यूट्रिक्स। लेड का मतलब होता है लड़का, जो नवयुवक होता है ना, ठीक है, जो यंग एज वाला होता है उसको बोला जाता है लेड, और फेमिनिन में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लेस, क्या हो जाएगा, लेड का फेमिनिन हो जाएगा लेस, LASS, लेड मतलब लड़का और लेस मतलब लड़की, ठीक है यहां तक, ओके। अगला वर्ड प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर भी सेम इन्हीं की तरह, प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है भाई, ठीक है, प्रोसिक्यूटर, और प्रोसिक्यूट्रिक्स हो जाता है जो महिला वकील होती है, ठीक ठीक, बढ़िया। सुल्तान का बनाइए, सुल्तान का फेमिनिन क्या होगा, ठीक, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों ने यूपी टेट दिया होगा अभी हाल फिलहाल का, उसमें कुछ ऐसा वर्ड आया था, ठीक है, जो पहला वाला यूपी टेट हुआ था, ओके, वर्ड आने वाला है, सीजर करके आया था उसमें, ठीक। सुल्तान का होता है सुल्ताना, SULTANA, बस ए जुड़ जाएगा, ये आएगा पेपर में भाई, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सुल्तान एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनिन हो जाता है सुल्ताना, आता है, ठीक है। जरा आगे बढ़ेंगे, बोअर, बोअर होता है सुअर की एक प्रजाति होती है बोअर, ठीक, इसका होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोअर का मतलब हो जाता है SOW, सौ, बोअर मतलब बिनेला सुअर और सौ मतलब स्त्रीलिंग हो गया इसका फेमिनिन जेंडर, ठीक। ब्रदर का सभी जानते हैं, ब्रदर का हो जाता है सिस्टर। कोल्ट, अभी बताए हम, कोल्ट होता है गाय का बच्चा, फेमिनिन क्या होगा भाई, कोल्ट का फेमिनिन बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएं, कोल्ट का अभी बताए हैं हम, जल्दी बताइए, कोल्ट का फेमिनिन हो जाता है फिली, FILLY, फिली, ठीक। डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, सभी को पता है, मैं यहां मिटाऊंगा, जल्दी इरेज कीजिए, ठीक है, सॉरी, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ें, ठीक। चलिए भाई, कोल्ट का मतलब होता है गाय का बेटा बछड़ा, और फिली होता है बछिया, ठीक, देखते हैं अब आगे, ऐसी बात चल रही है डॉग की, तो डॉग का बिच हो गया, ठीक। और बक, बक होता है, अभी बताया है, हिरन होता है बक, जैसे ब्लैक बक केस में सलमान खान फंस गए थे, तो वो क्या है, बक हो गया है हिरन, तो डो जो हो जाता है, DOE, डो हो जाती है हिरनी, ठीक है भाई, यहां तक क्या हो जाती, हिरनी। वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक अर्ल आता है और एक आता है काउंट, दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, और दोनों का फेमिनिन सेम है, अर्ल का भी काउंटेस है और काउंट का भी काउंटेस ही है, एक्चुअल में ये एक प्रकार की उपाधि है, इसे कहा जाता है, इनकी हिंदी होती अमीर पुरुष, बहुत ही यही समझ लीजिए बस, बहुत ज्यादा अमीर जो व्यक्ति हैं उन लोगों को ब्रिटेन में उपाधि दे दी जाती अर्ल या काउंट की, अर्ल बोले तो अमीर पुरुष, काउंटेस अमीर महिला, काउंट मतलब अमीर पुरुष, काउंटेस अमीर महिला, दोनों के फेमिनिन सेम होंगे, इंपॉर्टेंट है भाई, अर्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ल का फेमिनिन होता है काउंटेस, ठीक है, ठीक। आदित्य सिंह कह रहे हैं किया है सुल्ताना, ठीक है भाई, किया है या क्या है, कुछ पूछ तो नहीं रहे भाई, ठीक। चलिएगा जरा अभी देखते हैं इससे आगे, अब हम आ रहे हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, थोड़े से और हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक, बात चल रही है इससे आगे, ठीक, बात चल रही है मॉन्क, ठीक है, मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या होगा बताइए जरा, मॉन्क का फेमिनिन जेंडर बताइए, मॉन्क का हो जाता है नन, मॉन्क होता है बौद्ध भिक्षुक और नन होती महिला भिक्षुक जो होती हैं ये, ठीक है, साधु होता है एक तरीके से मॉन्क, ठीक है, और नन क्या हो जाती है, साध्वी हो जाती है। गेंडर का ध्यान रखिए, गेंडर होता है सारस और इसका फेमिनिन हो जाता है गूज, सारसनी, ठीक है। ऐसे ही मैं अगला वर्ड लिखता हूं, हार्ट,
हार्ट एक तरीके से खरगोश होता है भाई, और आर ओ ई रो हो जाती है खरगोशनी। ठीक, हार्ट का फेमिनिन क्या हो जाता है? रो। हॉर्स का अभी बताए थे, हॉर्स का बताइए क्या हो जाता है? मेर, एम ए आर ई मेर। ठीक, किंग का सभी को पता है क्यू यू डबल ई एन क्वीन। मेन का हो जाता है वुमेन। ठीक है, मेन का फेमिनिन जेंडर कभी भी लेडी ना लगाएं, गलत हो जाएगा, मेन का सिर्फ वुमेन होगा। मिस्टर का फेमिनिन हो जाता है मिस। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े जरा। शीप, देखिए यहां पे सुन लीजिएगा, चाहे वो आपसे शीप पूछे चाहे वो आपसे रैम पूछे, इन दोनों का मतलब एक ही चीज आती है, इसे कहा जाता है भेड़ा। ठीक है, इन दोनों का फेमिनिन एक ही होगा, ई डब्ल्यू ई। ई मतलब भेड़, इसको यू बोला जाता है उच्चारण में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। शीप का मतलब भेड़ा और रैम का मतलब भेड़ा। फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो ई डब्ल्यू ई यू आएगा। ठीक, जल्दी से कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। ठीक है भाई, चले बात चल रही है इससे आगे की। फिर आता है आपका सन। देखिए सन का सभी को पता है डी ए यू जी एस टी ए आर, ओके, डॉटर। अंकल का होता है आंट, ए यू एन टी। कृपया करके इसमें वाई ना लगाए ना, आपका आंसर गलत होगा। अंकल का क्या हो जाता है? आंट हो जाता है। ठीक ठीक, इतना तो पता ही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, कैसे इधर उधर हो रहे हो भाई? ओके ओके ओके, ठीक। बात आ रही है फॉक्स, फॉक्स का क्या होगा? ठीक है, फॉक्स का हो जाता है, फॉक्स मैस्कुलिन में आता है, इसका फेमिनिन होता है विक्सिन। क्या हो जाता है? विक्सिन होती है लोमड़ी। ऑक्स होता है बैल, तो काउ हो गई गाय। सीजर क्या है? सीजर का सीजरीना। इस बार यूपी टेट में वर्ड पूछा गया था, जो पहला पेपर आउट हो गया है, ये पूछा गया था। सीजर का हो जाता है सीजरीना। ठीक ठीक है यहां तक, सीजर का हो जाता है सीजरीना। ऑक्स का काउ, हीरो का हीरोइन पता है, टेस्टेटर जो टेस्ट करता है, टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेटर टी ओ आर आया है, ट्रिक्स हो जाएगा, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स था। बैचलर का क्या होता है? बैचलर होता है कुआरा लड़का। इसके दो जेंडर होते हैं, एक होता है मेडन, एम ए आई डी एन मेडन, और दूसरा होता है स्पिंस्टर। देखिए ध्यान से सुने, बैचलर चाहे लड़का 20 साल का है, चाहे लड़का 40 साल का है, 45 का है या 55 का है, वो बैचलर का बैचलर है अगर शादी नहीं की तो। ठीक, लेकिन ध्यान से सुने, मैडन क्या होती है? मैडन होती है 35 साल से कम की अनमैरिड लड़की, और स्पिंस्टर होती है 35 साल से ज्यादा की। अगर उम्र ज्यादा हो गई है तो उसे कहा जाएगा स्पिंस्टर, और 35 से कम है तो क्या रहेगा? मैडन। यहां तक ठीक है भाई? बहुत बढ़िया। ठीक, ध्यान से सुनिए, इसलिए बैचलर के दोनों जेंडर पॉसिबल है, मैडन भी और स्पिंस्टर भी। मैडन 35 से कम की लड़की, और स्पिंस्टर 35 से ज्यादा की लड़की। ठीक, बॉय का गर्ल होता है, पता है सभी को। ठीक, कॉक होता है मुर्गा, तो हो जाएगा हेन, मुर्गी। ठीक, आगे समझेंगे जरा, क्या अभी इसे मिटा रहा हूं, फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक, ओके, अब बात चल रही है इससे आगे। कॉक के बाद अब अगला वर्ड आ रहा है, जिसे कहा जाता है ड्रेक। ड्रेक का होता है फेमिनिन डक। ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो डक पूछेगा आपसे, डक का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, पुरलिंग क्या होगा, तो क्या होगा? ड्रेक। ड्रोन क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके सबसे पहले सुपर टेट में आया हुआ है, सबसे फर्स्ट सुपर टेट जो था, जो रिटिन में हुआ था। ठीक है, इसके जरा से ई की वजह से, सिर्फ ई की स्पेलिंग की वजह से, न जाने कितने लोग आज भी अपने घर बैठे एक एक नंबर की कमी से। ठीक ठीक है, ओके, सुने, ड्रोन का मतलब देखिए क्या क्या होता है, तीन वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, बी। ठीक, मैं सीधे यहां लिखूं, ड्रोन मधुमक्खी जो होती है उसका भी मैस्कुलिन यही होता है, फ्लाई, फ्लाई होती है साधारण मक्खी, उसका भी पुरलिंग यही होता है, आंट, ए एन टी, आंट, आंट होती है चीटी, उसका भी मैस्कुलिन यही होता है। मतलब ड्रोन का मतलब मधुमक्खा भी होगा, फ्लाई का मतलब अगर मक्खी है तो मक्खा भी रहा,
एंड का मतलब चीटी है, तो चीटा भी रहा यहां तक। ओके ओके ठीक ओके। आयशा कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम लेट। नहीं आप लेट नहीं हैं, ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट अभी शुरू होगा दूसरी जगह पर, ठीक है। अब आगे सुनिए, बुल का क्या होता है, ये सुपर टेट का सेशन है। बुल का हो जाता है, क्या हो जाता है, काउ। फादर का सभी को पता है, जेंडर हुआ क्या, मदर। ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा, जरा ध्यान से सुनिए, सॉरी एक मिनट। एक्चुअल में क्या होता है कि वो इस फॉर्मेट का पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो आपसे पूछ ही नहीं रहा। एक्चुअल में पूरा ब्राइड ग्रूम लिख के नहीं दिया जाता, आपका जेंडर पूछा जाता है, ग्रूम पूछ लेता है वो। मैं यहां पर मार्कर बदल के लिख दूं इसी के ऊपर से, वो आपसे पूछेगा ग्रूम, जी आर डबल ओ एम। ग्रूम होता है दूल्हा, तो दुल्हन के लिए वर्ड आ जाता है सिर्फ ब्राइड। बात समझ में आ रही है, ग्रूम दूल्हा हुआ तो ब्राइड हो गई दुल्हन, यहां तक ठीक। जेंटलमैन, जेंटलमैन का कभी भी वुमेन नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा, हमेशा होगा जेंटलमैन का लेडी, ठीक है। जेंटलमैन का फेमिनिन वुमेन नहीं होता, क्या होता है, लेडी होता है। हस्बैंड का वाइफ होता है, साथ साथ में डब्ल्यू आई एफ ई वाई, वाइफे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के दोनों वैलिड हैं, ठीक है। जेंटलमैन का सॉरी हस्बैंड का वाइफ भी होता है और वाइफे भी, ठीक। जल्दी आगे समझेंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बात चल रही है लॉर्ड, लॉर्ड होता है मालिक या स्वामी, इसका फेमिनिन होता है लेडी, ठीक है, क्या होता है लेडी। मेल का सभी जानते हैं, मेल का हो जाता है फीमेल, ठीक है। नेफ्यू होता है भतीजा या भांजा, तो हो जाता है एन आई ई सी। नीस हो जाता है, नीस हो जाती है भांजी या भतीजी, ठीक। सर का, सर के दोनों जायज है, मैडम या डेम, लेकिन अगर आपको दोनों मिल जाए गलती से तो डेम को प्राथमिकता दे। सर होता है श्रीमान जी, इसका फेमिनिन जो होता है वो डेम ज्यादा सही माना जाता है, ठीक। ये ट्रेंडिंग में है, ये ही चलता है, ठीक है, क्योंकि मैडम जो होता है, मैडम को दूसरे शब्दों में ये लिखा जाता है आजकल, एम ए एम, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये मैडम की ही है, तो ये आने लगा है कंफ्यूजन की वजह से। सर का फेमिनिन ज्यादातर डेम लगता है आजकल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। विडोवर होता है विधुर, जिनकी पत्नी की डेथ हो जाए तो फेमिनिन हो जाता है विडो, विडो बोले तो विधवा, ठीक ठीक, विडो हो जाती हैं विधवा। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं अगले स्टेप पर, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक। अब बात करेंगे हम इससे आगे की, लास्ट वर्ड बचा है, आई थिंक एक ही बचा है, लास्ट वर्ड है आपका विजार्ड। विजार्ड होता है जादूगर, क्या होता है, जादूगर, तो इसका फेमिनिन बना देंगे डब्ल्यू आई टी सी एच, विच, विच मतलब जादूगरनी, क्या हो जाता है, जादूगरनी, ठीक। विजार्ड क्या होता है, जो बाबा बंगाली टाइप होता है ना, ये इन लोगों को विजार्ड कहा जाता है, और विच हो जाती है जादूगरनी। वुड लाइक टू से यू थैंक यू सो मच, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोग प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ठीक ओके। अब जल्दी से थैंक यू सो मच, एक बार प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दें सभी सुपर टेक वाले, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट, ओके। सभी एसएससी वाले रेडी रहें, आपका सेशन अभी शुरू होगा भाई, प्रैक्टिस सेट, ओके, थैंक यू।